हम सोचते हैं कि हमारी इच्छाएं हमें चिंतित करती हैं, पर रियलिटी में चिंता ही हमारी इच्छाओं को जन्म देती है। मनुष्य चिंता है, जानवरों की दुनिया में चिंता नहीं होती क्योंकि उन्हें बनने की आवश्यकता नहीं होती, वह जो हैं वही होते हैं। एक कुत्ता सिर्फ कुत्ता होता है और एक बाघ सिर्फ बाघ, उनके लिए कोई बनने की प्रक्रिया नहीं होती। बुद्ध की दुनिया में कोई चिंता नहीं होती क्योंकि वह पहुँच चुके होते हैं, वह सिद्ध होते हैं, उनकी यात्रा पूर्ण हो चुकी होती है, उनके लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, कोई चलन नहीं होता। मनुष्य इन दोनों के बीच में है, आधा जानवर आधा बुद्ध, और यहीं पर चिंता का अस्तित्व है। चिंता ये तनाव है, हमारे भीतर का एक हिस्सा जानवरों की ओर लौटना चाहता है जबकि दूसरा हिस्सा भविष्य की आशा करता है। ये खींचतान ही चिंता है। चिंता केवल एक शब्द नहीं है, ये मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। मनुष्य का सबसे मौलिक द्वंद चिंता है, होना या ना होना, टू बी और नॉट टू बी, क्या बनना है क्या जानना है। मनुष्य चौराहे पर खड़ा है, सभी संभावनाएं खुली हुई हैं, चिंता की यही स्थिति है, कहाँ जाना है क्या करना है। और जो भी तुम करोगे चिंता बनी रहेगी। यदि तुम जानवर बन जाते हो तो तुम्हारा बुद्ध भाग इसके विरुद्ध विद्रोह करेगा। लेकिन चिंता को पार करने के दो तरीके हैं, एक है दुनिया का रास्ता, तुम इसे इच्छा कह सकते हो। इच्छा चिंता को छिपाने का एक तरीका है, लेकिन वास्तविक समाधान ध्यान में है। ध्यान वास्तविकता को उजागर करता है। वास्तविक ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये सिर्फ शांत बैठना घटित होने देता है। अपने भीतर की सारी चिंता को सतह पे आने देना और इसे देखना, कुछ भी बदलने की कोशिश मत करना, केवल साक्षी रहना। इस साक्षी भाव में तुम्हारा बुद्धत्व और अधिक शक्तिशाली बनेगा। साक्षी भाव ही तुम्हारी बुद्धत्व का पोषण है, और जितना अधिक तुम्हारी बुद्धता शक्तिशाली होगी उतनी कम चिंता होगी। जिस दिन तुम्हारी बुद्धता पूर्ण होगी उस दिन सभी चिंता जो है समाप्त हो जाएगी। प्रणाम।